तुझे मेरा प्रणाम। दोस्तों सारा जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारा जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा बोल के छात्रों ने बता दिया कि ये नन्हे मुन्ने बाला, इनके दांत भी कच्चे हैं। आसाराम जी बापू के शीर्ष चरणों में फिर बद नमन सत सत प्रणाम। आज बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है, ईसाई लीलाशाह गुरुकुल विद्यालय जो उच्च संस्कारों से सहित अपने अध्ययन के इस नए स्वरूप में ये इसका प्रथम जो है सत्र शुरू हुआ है, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये पहला कार्यक्रम है।
ऐसा लग रहा है कि काफी वर्षों से ये संचालित हो रहा है विद्यालय, और यहाँ के ये जो बच्चे हैं बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ के गुरुजनों ने इन्हें संस्कार दिए, इन्हें विद्या दी। बच्चों को विद्या देने का तो सभी का प्रयास रहता है कि हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे, ये हो वो हो, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी बने, लेकिन उनके साथ जो संस्कार उनके साथ साथ बनने चाहिए, संस्कार उनके साथ साथ जो चलने चाहिए, इस पर कॉन्सेंट्रेट बहुत कम हो, बहुत कम परिजन और बहुत ही कम विद्यालय कर पाते हैं। वो मात्र उनके परसेंटेज, उनकी विद्या, उनके ये वो, उन सब पे बहुत फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके संस्कार कितने बढ़ रहे हैं, उनको संस्कार कितने मिल रहे हैं, व्यवहारिक ज्ञान कितना उनको मिल रहा है, इसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे पाते। परिणाम स्वरूप आदमी तो बहुत बड़े बन जाते हैं, अधिकारी बहुत बड़े बन जाते हैं, लेकिन उन संस्कारों का अभाव रहते हुए वो समाज में अपना जो पद और जो प्रतिष्ठा और जो मुकाम हासिल करना चाहिए उसमें कहीं न कहीं वो नाकामयाब रह जाते हैं। आश्रम विद्यालय नाम से ही विदित है, संस्कार युक्त विद्यार्थी यहाँ तैयार होंगे, भारत के भावी नागरिक जो अपने क्षेत्र में संस्कारों के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ विद्यालय का। मैं कामना करता हूँ कि प्रतिवर्ष विद्यालय उन्नति करेगा। जय हिंद, जय भारत।